स्वागत है आप सभी के अपने फैंटेसी यूट्यूब चैनल फैंटेसी विनर्स में। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का। दोस्तों जो फिफ्थ T20 होने वाला है इसके हम दोस्तों यहां पर हेड टू हेड की टीम्स देखने वाले हैं कि क्या यहां पर बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है जिससे कि हम हेड टू हेड ईजिली विन कर जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब कुछ बताऊँगा कैसी पिच रहने वाली है, कितना स्कोर बन सकता है और यहाँ पर दोस्तों किसे आपको लेना है किसे नहीं लेना है, क्या यहाँ पर मतलब बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन हो सकते हैं। ठीक है, जो आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स देकर जाएं, तो यहाँ पर सब कुछ बताऊँगा। इसलिए टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाइएगा, जो आपको फाइनल टीम मिलेगी दोस्तों एडिट हुई वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। ठीक है, टॉस के बाद, तो इसलिए टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे 7 बजे दोस्तों ये मैच स्टार्ट हो जाएगा इंडियन टाइम्स के हिसाब से। 19 जून 2022 को दोस्तों ये मैच खेला जाएगा। ठीक है, ये लास्ट मतलब ये मैच होने वाला है इस सीरीज़ का। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों, अब ये वेन्यू चेंज हो रहा है, हर मैच में अलग अलग वेन्यू पर मैच हुआ है, तो आप ये मत सोचिएगा कि इतना बन जाएगा इतना बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में दोस्तों ये इंडिया के मतलब मैच खेला जाएगा। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर बात करता हूँ तो ये आरसीबी का होम ग्राउंड है। आपने जो स्कोर्स देखे होंगे आरसीबी बहुत बार 200 भी बनाती है, 200 चेज भी करवा देती है, ऐसी टीम है। ठीक है, आपको भी पता था, पर यहाँ पर बहुत दिनों से अभी मैचेस नहीं हुए हैं इंडिया के, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, क्यों और आरसीबी भी नहीं खेली है जब से कोरोना आया है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को यहाँ पर देखिएगा स्कोर पता नहीं चलेगा कितना बन सकता है। पर यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं आपको, 2019 में ही आईपीएल के मैचेस यहाँ पर खेले गए थे लास्ट। ठीक है, तो उसके बाद खेले नहीं गए, 20 में कोरोना था, 21 में भी था और यहाँ पर 22 में दोस्तों आपको पता है मुंबई में ही करवाए गए सारे मैचेस। तो यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो 10,000 लोग बोल रहे हैं इंडिया 67% जीत सकती है और 33% यहाँ पर साउथ अफ्रीका जीत सकती है। हेड टू हेड यहाँ पर देख लीजिएगा, लॉस्ट विन का यहाँ पर दिखा रहा है 5 मैचेस। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों देख लीजिएगा इंडिया वॉन। ठीक है, उसके बाद साउथ अफ्रीका, ये आपके हो गई टीम कंपैरिजन देख लेते हैं दोस्तों हम ओवरऑल। तो 80% दोस्तों चांस है इंडिया का, 80% है साउथ अफ्रीका का इस मैच को जीतने का। दोस्तों एवरेज स्कोर देखिएगा, इंडिया का 178 है, लगभग 180 है, मतलब ज़्यादातर मैचेस में इंडिया इतना बनाती है 180। और यहाँ पर आपकी साउथ अफ्रीका का है 148, तो आप मान सकते हो 160 ज़्यादातर मैच में बनाती है एवरेज स्कोर। ठीक है, हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर 211 है और हाईएस्ट स्कोर साउथ अफ्रीका का 212 है। ठीक है, लोएस्ट 148 है और इनका 86 है, इंडिया का मतलब 150 है लगभग और इनका क्या है 86 रन। दोस्तों लास्ट यहाँ पर 7 मैचेस का दिखा रहा, बैट फर्स्ट कर तो यहाँ पर सिर्फ 29% टीम्स जीती हैं और बॉल फर्स्ट करते हुए कितने जीती हैं 71%, तो मतलब कोई भी टीम जीतेगी वो टॉस वो पक्का बॉल ही फर्स्ट करेगी। फर्स्ट इनिंग में दोस्तों एवरेज स्कोर क्या दिखा रहा है, 154 दिखा रहा, मतलब आप 160 मान सकते हो, 160 दिखा रहा, मतलब ये सेफ नहीं है। यहाँ पर 200 आपको नहीं बनाना, तो आपको 180 190 तो बनाना ही होगा, तो ही आप उसे डिफेंड कर सकते हो अगर आप अच्छी बॉलिंग करेंगे तो। अगर आपने अच्छी बॉलिंग नहीं की तो आप 210-20 भी बनाएंगे वो भी चेज हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड इनिंग में दोस्तों 146 दिखा रहा है, इस हिसाब से सिर्फ 8 रन का गैप दिखा रहा है, पर आप 8 से 15-20 रन का गैप रख सकते हो इसे। ठीक है, T20M ऐसे होता है। हाईएस्ट टोटल दोस्तों यहाँ पर इंग्लैंड ने बनाया है। ठीक है, कितना बनाया है दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 202 बनाया है 6 विकेट खोकर इंडिया के खिलाफ। लोएस्ट वेस्ट इंडीज़ ने बनाया है 122 यहाँ पर बनाया है 9 विकेट खोकर 2000 SL के खिलाफ यहीं पर। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, साउथ अफ्रीका टूर ऑफ इंडिया 2019 की बात हो रही है सितम्बर की, तो वहाँ पर देखिएगा इंडिया इसी ग्राउंड पर खेली थी, 134 बनाए थे इन्होंने 9 विकेट खोकर दोस्तों। ठीक है, 20 ओवर में, और 140 बना दिए थे आपके साउथ अफ्रीका ने 16.5 में। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, मतलब चेज कर दिया था 17 ओवर, एक बॉल ही कम थी 17 ओवर में।
और यहाँ पर देखिएगा 2000 मई में ये आपका आईपीएल हुआ था दोस्तों, एसआरएच वर्सेस आरसीबी का मैच था, एसआरएच ने बनाए थे दोस्तों यहाँ पर, और उस टाइम पे बॉलिंग भी अच्छी थी एसआरएच की, राशिद खान थे, भुवनेश्वर कुमार थे, ठीक है, मुजीबुर रहमान थे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे दोस्तों कि 7 विकेट मतलब खोकर एसआरएच ने कितना बनाया था आपका 175, ठीक है 75 बनाए थे, मतलब आप मान सकते हो 180 बन गए थे लगभग। और आरसीबी ने दोस्तों उसे चेज़ कर दिया था 19.2 में, मतलब 4 बॉल रहते हुए 3 रन ज़्यादा ही बना दिए थे, मतलब आप मान सकते हो 180 रन यहाँ पर चेज हो जाते हैं। आरसीबी वन बाय 4 विकेट। यहीं पर दोस्तों 24 अप्रैल को हुआ था आरसीबी वर्सेस पीबीकेएस, आरसीबी ने 202 रन बनाए थे 4 विकेट खोकर 20 ओवर में, और यहाँ पर पीबीकेएस दोस्तों यहाँ पर 7 विकेट खोकर 187 बना पाई थी 20 ओवर में, याद रखिएगा चलिए, ठीक है। तो अब मैं दोस्तों यहाँ पर आपको टीम्स दिखा देता हूँ, मतलब बनाकर अगर आपको दोस्तों मैं थोड़े प्लेयर्स का फॉर्म भी दिखा देता हूँ आपको इंडिया के। ओके गायकवाड का देखिएगा, लास्ट मैच में दोस्तों 5 ही रन बना पाए थे, उससे पहले यहाँ पर 57 बनाए थे इसलिए सब रख रहे थे। ईशान किशन दोस्तों मतलब पहला मैच यहाँ पर अच्छा किया था, दूसरा भी अच्छा किया था, तीसरा भी अच्छा किया था, मतलब ठीक ठाक था मान सकते हो। 27 रन दोस्तों यहाँ पर देखिए बनाए थे फोर्थ में, ठीक है, और ये भी ठीक ठाक था, इनसे तो उम्मीद ज़्यादातर लोग रखते हैं 70-80 बनाए, ठीक है, ये तेज खेलते हैं, पहले मैच के हिसाब से सब इनसे उम्मीद कर रहे थे 60-60 रन हर मैच में बनाए, 50 तो बनाना ही चाहिए, और लास्ट मैच में 27 बनाए थे। कार्तिक ने दोस्तों लास्ट मैच में देखिएगा 55 रन बनाए थे, उससे पहले वाले मतलब थर्ड मैच में यहाँ पर 6 ही रन बनाए थे, यहाँ पर 30 ही रन बनाए थे, ठीक है, एक मतलब सेकंड में। हार्दिक पांड्या दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो गया 46 रन बनाए थे लास्ट मैच में। ओके हर्षल पटेल ने दोस्तों लास्ट मैच का अभी मतलब देखिएगा अभी अपडेट नहीं किया। टेम्बा बबूमा दोस्तों लास्ट मैच में आपको पता था रिटायर हर्ट हो गए थे। क्विंटन डीकॉक दोस्तों रन आउट हो गए थे देखिएगा 14 रन पर, ये देख पा रहे हो गया आप, इनको अपडेट कर दिया अभी। ओके तो यहाँ पर देख लीजिएगा ड्वेन प्रोटोरियस ने 1 विकेट भी लिया था और वो तो थर्ड नंबर पर बैटिंग करने आ रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों लुंगी एंगिडी ने लास्ट टाइम मतलब 2 विकेट लिए थे, नोकिया ने 1 विकेट लिया था आपको भी याद होगा, किशव महाराज ने भी 1 विकेट लिया था, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। रसिव एंडर ढुसन ने दोस्तों फर्स्ट में मतलब मैच में अच्छा किया था और सेकंड में अच्छा नहीं किया, थर्ड में भी अच्छा नहीं किया, फोर्थ में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कैसा किया था, अभी अपडेट नहीं किया मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ। चलिए मैं आपको टीम्स दिखा देता हूँ दोस्तों अब। ओके चलिए दोस्तों, ओके दोस्तों तो अब यहाँ पर आपको दोस्तों होगा आपके ऋषभ पंत, तो दोस्तों लास्ट मैच में मतलब उनकी बैटिंग बहुत जल्दी आ गई थी फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कर पाए थे, तो वो मतलब तेज़ी खेलने आते हैं और वो आउट हो जाते हैं, मैं उन्हें नहीं रखूँगा, मैं क्लासन को रखूँगा। ओके क्विंटन डीकॉक को भी रखूँगा, वो लास्ट टाइम भी आउट हो गए थे, उससे पहले मतलब जब वो खेले थे फर्स्ट मैच तो वहाँ भी आउट हो गए थे, 2 मैच उन्होंने मिस किए थे। ओके दिनेश कार्तिक की मतलब बैटिंग नीचे आती है इसलिए हम हेड टू हेड में उसे नहीं रख सकते। ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और ऋतुराज गायकवाड़ को आप रखना चाहो तो दोस्तों रख सकते हो, मैं अभी मतलब रख रहा हूँ, एडिट करके दूंगा तो मैं शायद इसे छोड़ सकता हूँ, ये ऐसे ही प्लेयर हैं, 1 मैच में चलेंगे उसके बाद 3-4-5 में फैल हो जाएंगे, ठीक है। रसिव एंडर ढुसन को रख लीजिएगा, भले वो चले ना चले आपको रखना ही होगा उन्हें। और टेम्बा बबूमा पे मुझे भरोसा नहीं है, हार्दिक पांड्या को रख लीजिएगा यहाँ पर, और आपके ड्वेन प्रेटोरियस को रखिएगा, फिर चहल को तो रखना है दोस्तों आपको हेड टू हेड में, हर्षल को भी रखना है, ठीक है, लूंगे एंगेडी को और नोकिया को रखना है, ये हमारी टीम होने वाली है। आप देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मतलब कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन हो सकता है, कैप्टन दोस्तों यहाँ पर मैं बोलूँगा आप सी को ड्वेन प्रेटोरियस को बनाइएगा, वाइस कैप्टन अगर आप जाना चाहो तो दोस्तों यहाँ पर ईशान किशन के साथ जा सकते हो, ये आपको बेस्ट चॉइस मिल जाएगी, ठीक है, तो हेड टू हेड में आप ऐसे ही बना सकते हो। ओके तो ये दोस्तों हमारी हेड टू हेड की टीम होने वाली है, एडिट करके दूंगा, ये फाइनल टीम नहीं है, तो इसलिए टेलीग्राम पर याद से जुड़ जाइएगा, जो आपको फाइनल टीम मिलेगी टेलीग्राम पर ही मिलेगी। ओके
तो यहाँ पर दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।